होम्योपैथिक दवा के आड़ में ये लोग जो शराब बनाने का काम कर रहे हैं, ये पटना टीम के द्वारा विगत एक दो महीने में दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है जो बड़ी फैक्ट्री है। इसकी है कि हम लोग सुबह 9:30 बजे वाहन जाँच कर रहे हैं, मुस्कमान गोलम्बर के पास एक ऑटो पकड़ाता है जिसमें 20 लीटर का गैलन इसमें स्प्रीट भरा हुआ था, वो पकड़ा गया। ऑटो के ड्राइवर की भी गिरफ्तारी हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जय महावीर कॉलोनी, वहाँ से वो स्प्रीट लेता है और दूसरे जगह पहुँचाता है जिसे शराब बनाने का कारोबार किया जाता है। उसके बताए हुए स्थान पर हमारी टीम गई और वहाँ पर हम लोग होम्योपैथिक दवा से स्प्रीट निकाला जा रहा था वैसा गोदाम पकड़े। वहाँ पे सिर्फ स्प्रीट के नाम पे होम्योपैथिक दवा की खाली ढकने मिली है और 10 कार्टून भरा हुआ भी है जिसमें स्प्रीट निकाला जा रहा था। वहाँ से 3 गैलन में 24 लीटर स्प्रीट बरामद किया गया है। फिर पुनः उसी ड्राइवर से फॉरवर्ड लिंकेज के तहत कि तुम्हारे द्वारा कहाँ कहाँ यह सामान स्ट्रीट पहुँचाया जाता था, उसी के निशानदेही पे हम लोग छपाक जो वाटर पार्क है उसी के आसपास में आटा चक्की मिल में छापेमारी किए, जहाँ इसी स्प्रीट से विदेशी शराब का निर्माण किया जा रहा था वो पकड़ा गया। वहाँ क्या क्या चीज़ पकड़ा है वहाँ पर? वहाँ सिर्फ शराब की बरामद की है। ठीक है। फिर पुनः इसी ड्राइवर के निशानदेही पे एक और स्थान का नाम बताया गया जो जेठलू में है, और जो आप लोग देख रहे हैं अभी सारा जेठली से ही पकड़ाया है। इसमें विभिन्न कंपनियों के रैपर हैं, खाली बोतलें हैं, बनी हुई शराब है जिसमें ऑफिसर्स चॉइस का करीब करीब 10 कार्टून है और मैकडोवल नंबर 1 का 1000 पीस का रैपर कम से कम, और विभिन्न कंपनियों के ब्रांड के ढक्कन रैपर और क्या उसको बोलते हैं सारे चीज़ बरामद की। पैकिंग के सामान 2 मशीन भी बरामदगी की गई है, स्पॉट से ही मिली है, इसमें शराब भर के मैंने उसको सील करने का काम कर। लगता है कि नकली शराब बनाई जा रही थी विदेशी कंपनियों के नाम पे। ये नकली शराब ही कही जाएगी। कितने दिनों से ये लोग चला रहे थे कुछ बता? पूछताछ की जा रही है और इसके पूछताछ के आधार पर अभी हम लोग और आगे काम करेंगे, और ये हमारी टीम की बहुत बड़ी सफलता है। 1 घंटा का रेड नहीं है, इसमें हमारी टीम ने पूरा दिन खपा दिया, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी बड़ी सफलता। सर, जो होम्योपैथी दवा है, वो प्रतिबंधित दवा है, वो बिहार में कैसे आ रही है सर? उसी की जांच पड़ताल की जा रही है कि होम्योपैथिक दवा के आड़ में ये लोग जो शराब बनाने का काम कर रहे हैं, ये पटना टीम के द्वारा विगत 1-2 महीने में दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है जो बड़ी फैक्ट्री है, और एक छोटी फैक्ट्री पकड़ी गई थी, कुल मिला के 3 फैक्ट्री पकड़ी गई है, और तीनों में होम्योपैथिक दवा के नाम पे स्प्रीट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो बहुत चिंतनीय बात है कि ये नकली दवा के नाम पे ये जहरीली भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि बनाने वाले मैकेनिज्म नहीं जानते हैं। वो डॉक्टर कौन है सर जो ये मंगवाते थे कंसाइनमेंट पूरा होम्योपैथिक का? वो तो फरार हैं, वो तो पकड़े नहीं गए। और नाम क्या है? रणधीर कुमार पता चला है उनका नाम। होम्योपैथिक से पहले भी फैक्ट्री का रेड हुआ है और अभी दोनों का लिंक भी? अभी कुछ वैसा लिंक सामने नहीं आया। कितनी कीमत की होगी लगभग? ये कीमत के तौर पे हम लोग कहें तो 15 से 20 लाख के आसपास।